नमस्कार, हिंदुस्तान न्यूज़ डेली में आप सभी का स्वागत है। आगरा ताजमहल में हिंदूवादी संगठन ने युवाओं के साथ फहराया भगवा झंडा, किया शिव चालीसा का भी पाठ। दशहरा के दिन ताजमहल में कुछ हिंदूवादी युवा पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देकर भगवा ध्वज लहराने के साथ ही शिव चालीसा पाठ करने में कामयाब रहे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही हंगामा मच गया। झंडा लहराते समय CISF के जवानों ने युवकों को पकड़ लिया था, लेकिन बाद में उन्हें पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। ताजमहल की सुरक्षा की जिम्मेदारी CISF संभालती है। कोरोना काल में पर्यटकों की स्पर्श मुक्त सुरक्षा जांच की जा रही है। इसके चलते हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता रविवार को ताजमहल में शिव चालीसा और भगवा ध्वज लेकर प्रवेश कर गए। उन्होंने स्मारक में शिव चालीसा का पाठ भी किया। उसके बाद पार्क में लगी बेंच के पास खड़े होकर भगवा ध्वज लहरा दिया। भगवा ध्वज लहराते समय युवक को CISF के जवान ने पकड़ लिया। इसके बाद उससे पूछताछ की गई, उसके बाद उसे छोड़ दिया गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में भगवा ध्वज लहराने वाले युवक की पहचान हिंदू जागरण मंच युवा के जिला अध्यक्ष गौरव ठाकुर के रूप में की गई। गौरव ठाकुर के मुताबिक वे दोपहर में ताजमहल गए थे। ये शिव मंदिर तेजो महल है, इसीलिए उन्होंने वहाँ शिव चालीसा का पाठ कर भगवा ध्वज लहराया। कई नेता वर्षों से इसे शिव मंदिर कह रहे हैं। बड़ा कष्ट होता है कि इसकी निष्पक्ष जाँच नहीं कराई गई। इसकी जांच कराना जरूरी है। CISF कमांडेंट राहुल यादव ने वायरल हुए वीडियो की जांच की बात कही है। उन्होंने कहा कि जांच के बाद ही कुछ बयान देने की स्थिति में होंगे। इससे पहले भी ताजमहल में भगवा ध्वज लहराया गया है, ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी ताजमहल में समय समय पर हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने भगवा ध्वज लहराया है। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। धन्यवाद।